ये तस्वीरें हरियाणा के जींद जिले की हैं। जिले के खापड़ गांव में दलितों के इन घरों पर ताले लगे हैं। गांव में रहने वाले करीब 15 दलित परिवार सामान और जानवरों को लेकर गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। गांव के ही रहने वाले जाटों ने दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। जातिवादियों के बहिष्कार और धमकियों के कारण दलितों को गांव छोड़ना पड़ा। दलित परिवार ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। 27 अगस्त को गांव खापड़ में 12 साल के दलित बच्चे के साथ ये सब हुआ। जाट जाति के कुछ लोगों ने मंजीत नाम के दलित बच्चे पर बाइक से तेल चोरी करने का आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा। इस वीडियो में बच्चा दर्द से कराहते हुए छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ना ही उसे पीटने वालों के हाथ रुके और ना ही आसपास खड़े लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। आरोप है कि बच्चे को काफी वक्त तक बेरहमी से पीटा गया और उसे जबरन चोरी कबूलने का दबाव डाला गया। वारदात के बाद जब पीड़ित परिवार ने गांव के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट दिनेश से मदद मांगी तो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी की गई। लेकिन आरोप है कि अगले ही दिन जातिवादियों ने पीड़ित परिवार और उनकी मदद करने वाले दिनेश को धमकी दी। आरोप तो ये भी है कि पुलिस ने जबरन बच्चे की मां से कोरे कागज पर साइन करवा लिए और समझौते का दबाव डाला कि गांव खापड़ में एक जो विशेष कम्युनिटी है पूरे हरियाणा में, जिससे हमारे समाज के लोग काफ़ी तंग हैं, उसी कम्युनिटी के लोगों ने एक झूठे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर हमारे समाज का एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे के साथ बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट की थी और मारपीट करने के बाद इसको गांव में घुमाया गया। घुमाने के बाद इसको जूते चप्पलों थप्पड़ मुक्कों से पीटा गया और ये बच्चा बड़ी बुरी तरह चिल्लाता रहा। चिल्लाने के बावजूद भी उनकी जो है बच्चे की चीखों को देखकर उनकी आत्मा नहीं पिघली और इस बच्चे के साथ कंटिन्यू मारपीट करती रही। हाँ, अस्पताल में तो पीट दे। अच्छा यू ओड़ा अड़े का दो रहे हैं घर ओड़ा पीटिया ही लिया का तो ये पीटने वाले कौन लोग थे? ये एक तो है सुबह का काला, हाँ जी पूरा तो एक है रघुवीर, हाँ जी एक उसका किनारे बुड्ढा सा का बलदेवा एक पपड़ी है चिमड़ी पपड़ी चिमड़ी है इन चारों का तो बाकी फिर पूरा पिटिया जो सा पिटिया आड़े से घर में ओड़ा अगला घर में लेगी जगमंदराला घर में। अच्छा जगमंदराला घर में लेगी तो इष्टी नहीं बेरा कौन कौन मारा है अस्पताल तो मैंने सुबह काला ले गया पिटदा। क्यों पीटने पीटना पीट रहा था तेरे को? वो तेल का ढेर लिया गया मैंने मोटरसाइकिल का। अच्छा और तो मैंने सुबह काला ले गया पिटदा और नहीं प्रेमी ने उसका पौआ मरवा दिया ला दारू ले ले उसने पकड़ लिया और फिर नहीं बाद में भी दिया उसका पौआ फिर मारे मेरे उड़ा प्रेमी वाली दुकान में गेड़ गए फिर उड़ते फोन कर दिया उड़ा मकड़ का मेस आएगा मकड़ का मेस आना मारे मेरा फिर उड़ते बाल पकड़ गया एक आदमी मैंने ले गया खींच कर और उड़ा उनका जगमंदर प्लाट में मैया प्लाट में उड़ा ले गया मैंने फिर उड़ा पपड़ी बोलिया गिटल डेढ़ गए कपड़े कडुआगा नंगा करके पानी बाल्टी गेड़ गया की डंडी मारो मुद्दा गेड़ गया। हरियाणा पुलिस की बेरुखी के कारण गांव में माहौल बिगड़ता चला गया। आरोप है कि जातिवादियों ने खुलेआम दलितों को जान से मारने की धमकी दी और मंदिर के लाउडस्पीकर से दलितों के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। तो उन्होंने धमकी भी दी क्या इस दौरान? जी वो 2 तारीख को मेरे घर पे आए, हम चारों जो साथी लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम चारों साथी थे और पीड़ित लड़के का बाप था हमारे पास घर पे बैठे थे हम। उन्होंने भाई का था घर पे आके धमकी दी कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो आज जो गांव में धमकियां होती हैं मार देंगे ये कर देंगे गांव छुड़वा देंगे ऐसी तमाम बातें उन्होंने की। अच्छा। तो हमने समझौता करने से मना कर दिया स्टेट के अंदर जी। तो उन्होंने फिर गांव के मंदिर में जाके अनाउंसमेंट करवाया कि भाई समार कम्युनिटी के लोगों ने समझौता करने से मना कर दिया और गांव का माहौल खराब कर दिया। जो गांव के युवा वर्ग के लोग थे जात कम्युनिटी के लोग थे वो उग्र हो गए कि समारोह की इतनी मत की वो समझौता नहीं कर रहे हमारे खिलाफ कंप्लेन दी उन्होंने अब समझौता नहीं कर रहे तो गांव का माहौल खराब हो गया उस दौरान। अच्छा तो मतलब एक तरीके से जातीय दंगे भड़काने की कोशिश हुई मंदिर से अनाउंसमेंट हुई वहां पर मंदिर से अनाउंसमेंट की बैठा था कि समार कम्युनिटी के लोगों ने समझौता करने से मना कर दिया। अच्छा खापड़ गांव उचाना विधानसभा सीट के तहत आता है और यहीं से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं।
इस वारदात में शामिल ज्यादातर आरोपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस पर राजनीतिक दबाव की बात भी कही जा रही है। फिलहाल मामले में कुल 10 आरोपी नामजद हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हो पाई है। गांव के ज्यादातर दलित परिवार पलायन कर चुके हैं और गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने गांव का दौरा तक नहीं किया। खापड़ गांव से ही कुछ किलोमीटर दूर मिर्चपुर गांव में साल 2010 में जाटों और दलितों के बीच टकराव के बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। ऐसे में खापड़ गांव के दलित किसी अनहोनी की आशंका के चलते अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक दलित इस तरह की जातिवादी मानसिकता का शिकार होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।